गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम कुछ सेटअप करने वाले हैं मोटो ब्लॉगिंग के लिए। बहुत जनों को मैं देखा हूँ कि मोटो ब्लॉगिंग करना चाहते हैं बट उनके पास कोई अच्छा कैमरा नहीं है, एक्शन कैमरा नहीं है, गोप्रो नहीं है, तो उसके वजह से बहुत लोग मोटो ब्लॉगिंग कर नहीं पाते हैं। तो आज मैं एक सेटअप लेकर के आया हूँ जिसमें आप सस्ते चीज़ों से भी आप आराम से कम पैसों में मोटो ब्लॉगिंग कर पाओगे। तो मेरे पास कुछ कुछ यहाँ पर आप आइटम देख पा रहे हो, ये हेलमेट है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इनके जरिए हम इजीली मोटो ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एक करके चीज़ बता देता हूँ। ये है हमारा एक्शन प्रो का ये हेलमेट माउंट है, ये आपका हेलमेट में ये माउंटिंग हो जाता है। और सेकंड में अगर आप देखोगे ये है फ़ोन माउंटिंग, ये आपका इसमें साथ अटैच हो जाता है। और इसके कुछ नॉट्स हैं जो आप इसके साथ इसको फिक्स कर सकते हैं। और मेरे पास यहाँ पर एक बहुत बढ़िया माइक है, मोनो का माइक यहाँ पे आप देख सकते हो, अधिकतर मोटो ब्लॉगिंग इसी के थ्रू होता है। और यहाँ पे मेरे पास एक कनेक्टर है क्योंकि मेरे फ़ोन पे डायरेक्ट 3.5 mm जैक सपोर्ट नहीं करता है, तो मैं इसके लिए कनेक्टर लेकर के आया हूँ ताकि अब यहाँ पे 3.5 mm जैक यूज़ करके यहाँ से आपका फ़ोन आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सेटअप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये एक्शन प्रो को हेलमेट में सेटअप कर देते हैं। हेलमेट आपको ऐसा कुछ हेलमेट लेना है, वो कोई भी ब्रांड का हो चलेगा, बट आप ध्यान दीजिएगा कि आपके पास यहाँ पे ग्लास हो, शटर हो, ताकि आप जो भी माइक में कुछ बोले तो हवा आपका विंड ब्लो के वजह से आपका कुछ भी बोलने से आपका कुछ वॉइस को कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ताकि आपका विंड को रोके। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको अटैच करेंगे। अटैच करने के लिए यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर कुछ फीता वगैरह है, इसके थ्रू आप इसको अटैच कर सकते हो। देख सकते हैं आप, इसको थोड़ा टाइटली मैं अटैच किया हूँ ताकि आपका फ़ोन हिले ना और गिरे ना। तो आप इसको मेक श्योर करिएगा कि ये पूरा अच्छे से टाइट हो। उसके बाद फिर ये आपका फ़ोन माउंट होता है, इसको आप इसमें अटैच करके इसका एक नॉड मिलता है, इस नॉड को आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा स्ट्रेट रहे और ये अच्छे से टाइट हो जाए ताकि ये हिले ना। आप इसको जितने अच्छे से फिटिंग करोगे ये बहुत ही बढ़िया इसका फिटिंग रहेगा। इसके पीछे में भी नॉट रहता है, उसको भी आप टाइट कर लीजिएगा। अब सेकंड सेटअप आ जाता है हमारा जो माइक है। माइक को आप अंदर में आप देखे होंगे यहाँ पर हेलमेट के अंदर में बहुत सारा पैडिंग रहता है, इस पैडिंग को आप निकाल के अंदर में माइक को अटैच कर सकते हैं। तो इतना जो मैं है माइक को छोड़ दूंगा ताकि मैं यहाँ से फ़ोन कनेक्ट कर सकूं, और बाकी का जो एक्स्ट्रा वायर है इसको आप एक नॉट जैसा बना करके अंदर में फंसा सकते हैं। माइक को मैंने यहाँ पे थोड़ा डाउन साइड किया है क्योंकि आपका जो फेस रहेगा वो यहाँ पे डायरेक्टली, अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट माउंट अगर माइक लगा देते हो तो आप जो भी सांस वगैरह लोगे ना तो उसमें क्या है माइक में पूरा आएगा, तो आवाज़ क्लियर नहीं आएगा और जो भी सांस लेने का आवाज़ बहुत ज़्यादा फटेगा आप जो भी बात करोगे। तो आप इसको कोशिश करिएगा इसको डाउन साइड में ही रखने का ताकि आप जो भी बोलो तो आपका आवाज़ भी क्लियर आए और अच्छे से सुनाई भी दे। तो मैं इसको डाउन साइड कर दिया हूँ।
देख सकते हैं माइक सेटअप हो गया। अब जो भी आपका फ़ोन होगा, फ़ोन में इसको आप अटैच करके यहाँ पे फ़ोन आप डायरेक्ट लगा सकते हो और इसका जो व्यू है वो भी आ जाएगा। यहाँ पे आपका ये फ़ोन अटक जाएगा, यहाँ से आप इसको अटैच कर सकते हैं तो आपका साउंड भी अच्छा आएगा, प्लस ये अच्छा मजबूत सेटअप भी हो गया। तो अब मिलते हैं ब्लॉगिंग के साथ, देखते हैं कि हमारा व्यू कैसा आ रहा, साउंड क्वालिटी कैसा है, वो सब चेक करते हैं। तो मैं अपने सेटअप पे आके आपको कंटिन्यू करता हूँ। हेलो गाइस, तो हम अपने सेटअप पे आ चुके हैं, देखते हैं कैसा वीडियो बनता है। मैं अभी गाड़ी जो चला रहा हूँ ये ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X है, तो थोड़ा आज ऑन रोड पे भी चलाने वाले हैं, ऑफ रोडिंग भी करने वाले हैं, देखते हैं कैसा व्यू आता है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये सेटअप कैसा लगा। और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें मैं दिखाऊंगा कि GoPro के साथ आप कैसे इसको सेटअप कर सकते हो, तो मीडिया पॉड वगैरह कैसे अटैच करना है, ये सेम मोनवा का जो माइक है वो भी उसमें इजीली फिट हो जाएगा। देखिए जो विंड ब्लास्ट वगैरह हो रहा है इसकी वजह से भी काफ़ी दिक्कत आता है, जो क्लियर व्यू नहीं आ पाता है। ये सेटअप देखते हैं कैसा है। मुझे मेन साउंड का ही टेंशन है कि साउंड कैसा आ रहा होगा, मैं कहीं रोक करके गाड़ी चेक करूँगा, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तो फिर आगे व्लॉगिंग कंटिन्यू करेंगे। हेलो गाइस, तो मैंने एंगल वगैरह सब चेक कर लिया है अभी, होप सो आपको अभी एंगल पूरा परफेक्ट दिख रहा होगा। बाकी ये जो फ़ोन मैं यूज़ कर रहा हूँ ये S22 Ultra है, इसी में मेरा मोनवा का माइक जो कनेक्ट नहीं हो रहा था इसके लिए मैंने अलग से कनेक्टर लिया है, जो यूफोन का कनेक्टर है, दूसरे कोई कनेक्टर इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो मैं सोचा आपको बता दूं, शायद आपको इजी हो। ऐसे तो बहुत सारे कनेक्टर तो लोग दिखा रहे थे, और ये यूफोन का जो कनेक्टर है मैंने 200 में लिया है, और जो एक्शन प्रो का जो माउंट था वो मैंने 200 में अमेज़ोन से मंगाया था, और जो मेरा फ़ोन होल्डर का जो माउंट है वो मैंने लोकली यहाँ से 200 में लिया है। तो ऑल टोटल अगर सेटअप देखा जाए तो 600 रुपये का ये सेटअप है, और जो माइक मैंने मोनवा का मंगाया है वो 400 का माइक है, वो भी मैंने अमेज़ोन से मंगाया था, और ये सेटअप मेरा बहुत ही बढ़िया बन गया है। अभी GoPro के साथ अगर हम लोग सेटअप लेते हैं तो फिर GoPro का अलग ही मीडिया पॉड आ जाता है, फिर GoPro लेते हैं तो उसमें 40-50 हज़ार का खर्चा है, लेकिन इसमें क्या है आप आराम से इजीली अपने फ़ोन से बना सकते हो, फ़ोन का भी क्लियरिटी अच्छा ही है, तो इजीली आपका ये बन जाएगा सेटअप। अब बात कर लेते हैं गाड़ी का, तो गाड़ी तो यार बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी है, इसका इनिशियल पिकअप बहुत अच्छा है, टॉर्क बहुत अच्छा है, GoPro का और फ़ोन का एक ही फ़र्क आ जाता है कि GoPro में आपको एक स्टेबलाइजर मिल जाता है, अच्छा बढ़िया स्टेबल रहता है कैमरा, जितना भी वीडियो बनेगा जितना भी हिलडुल हो वीडियो, लेकिन अच्छा स्टेबल हो करके बनता है, लेकिन फ़ोन में क्या है वो स्टेबलाइजेशन आपको मिलेगा नहीं। फिर भी मैं जो फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ S22 Ultra है, देखते हैं इसका स्टेबल वीडियो कितना अच्छा बनता है। अब बाइक को हम थोड़ा लेके चलेंगे ऑफ रोडिंग की तरफ और देखते हैं उसके बाद कैसा ऑफ रोडिंग वीडियो बनता है।
मुझे फ़ोन का सेटअप भी काफ़ी अच्छा ही लगता है। और अब जो नए नए अगर आप यूट्यूब चैनल अगर आप चालू किए हो तो एक बार में सारा सेटअप लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, तो बेटर यही रहता है कि पहले फ़ोन से ही व्लॉगिंग वगैरह चालू किया जाए। उसके बाद जब हम थोड़ा प्रो सेटअप पे जाते हैं तो गोप्रो लेने में इजी भी रहता है, लेकिन स्टार्टिंग के लिए मुझे लगता है फ़ोन ही बेटर है। बाकी मेरा आने वाला बहुत सारा वीडियो है जिसमें मैं व्लॉगिंग करने वाला हूँ गोप्रो से भी और फ़ोन से भी, जिस पे मुझे सूटेबल लगेगा। होप सो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को भी शेयर करिएगा ताकि दूसरों को भी पता चले आप फ़ोन से भी इजीली व्लॉगिंग कर सकते हैं, आपको कोई गोप्रो या एक्शन कैमरा लेने का अभी फ़िलहाल के लिए दरकार नहीं है। अगर आपके पास अच्छे पैसे हैं तो आप ले सकते हैं, नो डाउट उसमें, बट मेरे पास इतना अच्छा फ़ोन है 1 लाख का, तो फिर मैं सोचा कि क्यों ना इसी पे व्लॉगिंग किया जाए। अभी मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाने वाला हूँ ऑफ रोडिंग के लिए, उसमें टाइम स्क्रैम्बलर को दिखाया जाएगा कि कैसे ऑफ रोडिंग में ये काम करता है, इसका सस्पेंशन कैसा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना।